आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। फतेहपुर के विकासखंड खजुहा मुख्यालय में 238 जहानाबाद विधानसभा के बसपा प्रत्याशी आदित्य पांडे ने नुक्कड़ सभा लगाकर जन समुदाय को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए झूठ की सरकार बताया है। प्राइम टीवी के संवाददाता से बात करते समय बीएसपी प्रत्याशी ने कहा है कि हम अगर विधायक बनते हैं, क्षेत्र में जो भी विकास देकर कार्य अधूरे हैं, हम उनको पूरा करेंगे। हमारी जनता स्टार प्रचारक है, हमको स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं है। हमारी जनता का, हर समाज का कोई न कोई नुमाइंदा जो अपने समाज का स्टार प्रचारक है, वो मेरा स्टार प्रचारक। आप विधायक बनने के बाद 2007 और 2014 के बाद ये 2022 के कार्यकाल में कितनी तुलनात्मक कोशिश कर रहे हैं? 2007 से 12 का जो मेरा विकास था पुराने क्षेत्र में, वो सबको मालूम है। कई बड़े अस्पताल, दफसौरा पावर प्लांट जो कि कानपुर घाटमपुर पावर प्लांट हो गया है, तमाम पंचायत भवन, पारा सिलावन में पॉलिटेक्निक, बुढ़वा में ITI और ये जहानाबाद से फतेहपुर रोड का चौड़ीकरण, कई पावर हाउसेस का निर्माण कराया, सैकड़ों हजारों की तादाद में हैंडपम्प और सैकड़ों की तादाद में प्राथमिक और जूनियर विद्यालय बनाए। ये जो जनता उसी पे आज बात कर रही है, 2012 से 2022 तक इन्होंने एक ईंट रखवाने का काम नहीं किया। कितना पैसा कहाँ खा गए हैं, ये जाँच का विषय है। सरकार बने की मैं जाँच कराऊँगा। मऊ में नगर पालिका चेयरमैन तैयब पालकी ने बसपा से इस्तीफा देने के बाद सपा की सदस्यता ली है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए पालकी ने बताया कि बसपा अपने सिद्धांतों से भटक गई है, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव जन जन के उम्मीद की किरण बनी हुई है। इस दौरान चेयरमैन पालकी के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी सपा की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी को आज हमने अपनाया है और जिला अध्यक्ष जी और सभी फ्रंटल संगठनों के मौजूदगी में मैंने सदस्यता ग्रहण की है। और मेरी बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की वजह यह है कि मुझे एहसास हुआ और हमारे कर्ताओं को ये एहसास हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है और दलित शोषित का ये करती है, पिछड़ों की, मगर ऐसा है नहीं। मगर इस समय दलितों और शोषित और ख़ास तौर से बुनकरों की समस्या है, जो हमें एहसास हुआ कि सिर्फ हमारे अखिलेश साहब मुख्यमंत्री होने वाले हैं वही हल कर सकते हैं। मैनपुरी में गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किशनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश की सरकार चलती थी तो अपने परिवार के लिए चलती थी, अखिलेश सरकार में एक जाति का काम होता था। पार्टी नहीं, अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को समाप्त करने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। निभाओगे जिम्मेदारी? दोनों हाथ उठा सब लोग बताओ, ये मीडिया वाले देख ले कि सब लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। और मैंने इस मंच से कहा है, आज तारीख कौन सी है? 15। वोट कब पढ़ना है? 20 को पढ़ना, बता कितने दिन? 4 दिन। इस 4 दिन के लिए प्रत्याशी केवल बघेल जी और केशव प्रसाद नहीं, आप सब लोग प्रत्याशी की तरह काम करोगे। दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे? आप सब लोग प्रत्याशी की तरह केवल 4 दिन मेहनत कर दीजिए, कमल का फूल खिलने से दुनिया की कोई ताकत करहाल में और मैनपुरी में रोक नहीं पाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां के आजाद गेस्ट हाउस में सरोजी नगर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने जनता को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही प्रत्याशी
ने सरोजनी नगर विधानसभा को हिंदुस्तान की नंबर वन एक की विधानसभा बनाने का संकल्प लिया। खबर अमेठी से है, जहां एक ब्राह्मण परिवार की बेटी ने राज्य मंत्री सुरेश पासी पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि राज्य मंत्री ने अपने रिश्तेदारों को उनकी जमीन से जबरन सड़क बनवाए जाने का विरोध करने पर पीड़िता ने के पिता पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, जिससे आहत होकर युवती ने पिता ने आत्महत्या कर ली। जहां तक बात की जाए जगदीशपुर विधानसभा की, तो जगदीशपुर विधानसभा ने 5 साल पहले अपना जनप्रतिनिधि चुना था, माननीय जी मंत्री भी बन गए, लेकिन हुआ ये कि जैसे पूरी विधानसभा में आप घूम करके देखेंगे तो हर जगह मान सम्मान को लोग मान सम्मानित लोगों के मान सम्मान को चोट पहुंचाने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। कल ही मुझे मालूम चला कि स्वर्गीय पंडित रामोद तिवारी जी यहाँ के माने जाने शख्सियत थे, बेहद सम्मानित थे, सरपंच दादा के नाम से लोग उनको जानते हैं। उनके साथ अभी परिवार से मिला, उनका आशीर्वाद लेने आया था माता जी का, उनको ढांढस बंधाने आया था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो मुहिम चल रही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके सहयोग में खड़े हो रहे हैं। मामला ये मालूम चला कि माननीय मंत्री जी एक खड़ंजे का निर्माण करना चाह रहे थे कहीं अपने विशेष रिश्तेदारों के लिए, वहाँ तक पहुँचने का वो रास्ता बना रहे थे, लेकिन बीच में सरपंच दादा का बाग आ रहा था। सरपंच दादा ने मना किया कि हमारे खेतौनी की ज़मीन है, हमारे खाते की ज़मीन है, तो उस पर उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह से निंदनीय कृत किया कि उनके चरित्र का हनन करते, उनके ऊपर 376 का मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। जी, ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था उसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेने आए सुरेश पासी, जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था, जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर, सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर, बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर ब्लेम लगवाया था। धरौली गांव में मात्र 4 से 5 घंटे ही बिजली की आपूर्ति संभव हो पाता है। योगी का दावा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कम से कम 18 से 20 घंटे होगी। सरकार के दावों को एसडीओ बालामऊ रविंद्र कुमार वर्मा खोखला करने में लगे हैं, तो वहीं हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार ने पूरे घटनाक्रम और जनता की समस्याओं को लेकर एसडीओ रविंद्र वर्मा से संपर्क कर सवाल उठाया है, जिन पर उन्होंने उल्टा पत्रकार पर दलाली और कार्रवाई की धमकी दे दी है। जब ग्रामीणों से इस पूरे संबंध में जानकारी ली गई तो सभी काफी आक्रोशित और मजबूर दिखे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें एसडीओ साहब के द्वारा दी गई सुविधाओं की पूरी करतूत को हमारे कैमरे में कैद किया है। यूपी के बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं, जहां पे लोग आज भी अंधेरे में जीने पे मजबूर हैं। योगी जी का और मोदी जी का नारा था शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे लाइट रहेगी। आइए हम इस समय मौजूद धरौली गांव में, जहां पे पूछते ग्रामीणों से कि यहां पे कितने घंटे लाइट आ रही है। बेटा ये बताइए यहां पे कितने घंटे लाइट आ रही है? 3 घंटे। अरे योगी जी तो कह रहे कि 18 घंटे लाइट आएगी। नहीं, तो आप लोग अंधेरे में रहते हैं क्या? और क्या है? और पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं आप लोग? अंधेरे में करते हैं। अच्छा ये बताइए अम्मा, आप ये बताइए 2022 में किसको चुन के लाएंगे, जिससे आपकी सुविधाएं जो हैं, लाइट की दिक्कतें हैं और जो गैस सिलेंडर की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएं? असुविधा का जो सुविधा अच्छी रहा है उसको चुनेंगे। किसको चुनेंगे आप? मायावती। क्यों, योगी जी ने और मोदी जी ने काम नहीं किया क्या? काम का किया, यहाँ पे सब अंधेरे में रहते हैं, सोते हैं, न दिन में आती न रात में लाइट आती, 3 घंटे आती फिर आती नहीं। 3 घंटे लाइट आती है कि योगी जी तो 18 घंटे लाइट दे रहे हैं? 18 घंटे यहाँ पे तो नहीं आती है, यहाँ लाइट नहीं आती क्या? हाँ नहीं आती है। अच्छा ये बताइए भैया, आप इसी गांव के वासी हैं? जी मैं इसी गांव का वासी। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कितने घंटे लाइट आती है? सर यहाँ पे 3 से 4 घंटे लाइट आती है। अच्छा जी, तो और बाकी समय नहीं आती है, रात में आती है 1-2 घंटे, वो भी चली जाती है, दिन में भी नहीं आती है। दिन में आती है 5 मिनट आएगी फिर चली जाएगी, 2 मिनट आएगी फिर चली जाएगी। अच्छा इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने उच्च अधिकारी को की? जी सर यहाँ पे कोई मतलब मिला ही नहीं वैसा व्यक्ति कि मैं आप लोगों की वजह से शिकायत पहुँचा सकूँ ऊपर तक। अच्छा तो इस बार 2022 में किसको चुन के लाएंगे आप? जी सर जो अच्छा काम करेगा उसी को चुनेंगे, जहाँ तक है तो बहन कुंवारी मायावती को ही चुनेंगे। जी सर,
तो योगी जी ने काम नहीं किया क्या? काम क्या किया, बच्चे भी अंधेरे में ही पढ़ते हैं। देखो दिन रात में कोई भी निकलता है वाहन से, बाइक से या कार से, किसी की कार गड्ढे में जा रही है, बाइक से कोई लोग गिर रहे हैं, मतलब चोट खा जाते, एक्सीडेंट हो जाता है। बताइए लाइट के कारण ये सब हो रहा है या कि नहीं हो रहा है? अच्छा ये बताइए आपका पावर हाउस कहाँ पड़ता है? पावर हाउस हमारा बेनीगंज पड़ता है। तो बेनीगंज में आपने इसकी शिकायत कभी की कि लाइट नहीं आ रही है? सर क्योंकि ये शिकायत पहुँचाने के लिए कोई हमारे पास व्यक्ति नहीं था यहाँ पे, मतलब क्योंकि सारे लोग इकट्ठे नहीं थे। अच्छा। कोई व्यक्ति कंप्लेन देता तो उनको कहते हैं कि हमारे पास आप लोग क्या लेके आए हो, क्या हमें आप मिले, क्या हमको दोगे? तो हम लोग कि जे हम जिसको चुने जो हमारी बात सुन सके, जो हमारी कंप्लेन सुन सके लोग, क्योंकि हमारी कोई बात सुन के कोई राजी नहीं होता सर। अच्छा ये बताइए मोदी जी ने और योगी जी जो हमारे प्रदेश के जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया है। सर आज तक की कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी स्कूल चल जाओ आप, स्कूल की छतें टूटी होती हैं, कोई छतें मरम्मत नहीं होती हैं, ना कोई प्रिंटिंग होती है छतों में, कहते हैं हमने ये पैसा इतना खर्च किया, आज तक की कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। कोई भी स्कूलों में, कोई भी स्कूल आप चल जाओ सर, कोई भी लड़कियों की कोई सुविधा नहीं होगी, ऐसे ही बेंच टूटे फाटे होते हैं सर, मैं भी बहुत से स्कूलों में अभी तक देखा हुआ है। क्योंकि क्या मोदी जी के और योगी जी के जो दावे थे हवाई थे क्या? ये सर सब हवाई हैं, कोई भी कोई उसमें छानबीन नहीं होती है, जिनने भी अधिकारी इतने समय सब सोए पड़े हैं। तो जो 2022 में किसको मुख्यमंत्री बना के लाएंगे अब? हम इतने समय तो यही कह सकते हैं मायावती को ले आ सकते हैं। अच्छा और भी हमारे साथ में दादाजी मौजूद हैं, दादाजी से बात करते हैं। दादाजी ये बताइए 2022 में किसको मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? हम तो बहन जी को देखना चाहते हैं, वही सेवा से जो कुछ पूर्व किया था उसी हिसाब से संविधान चलता था, उसी हिसाब से चलना चाहिए, वही दावा थोड़ा बहुत पूर्व करती है और तो बाकी अधूरा है। तो कानून की व्यवस्था में आप क्या कहना चाहिए? कानून की व्यवस्था जो है, कानून की व्यवस्था यही है, कानून को जो लेके चलेगा उसी हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन सर टूटा फूटा इधर उधर पड़ा रहता है तो उसको इतना हमको पता नहीं। अच्छा, है आप लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं? समस्याएं हमारे गांव की बहुत बेकार है। क्या समस्याएं आपकी? अरे ना यहाँ बत्ती आती है, पहली बात नंबर वन बत्ती है, आती नहीं आती है, नालियाँ गांव की गंदी पड़ी हैं, स्कूल यहाँ जो बना है बारात घर उसमें ना रास्ता दी जाती है ना उसको सफाई किया जाता है, यही सब प्रॉब्लम है। इसके आगे और क्या बताऊं, इतने समझ योगी जी तो कहते हैं कि मैंने 18 घंटा ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट दिया, 24 घंटा शहरी क्षेत्रों में दिया और नालियों को लेके मोदी जी अभियान चला स्वस्थ भारत, घर घर शौचालय पहुंचाए, अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ये रहो मोदी जी जैसे बैठे हैं ठीक, और हम तो यहाँ मान लो जैसे गांव में रहते हैं तो हमको तो यही पता हमारे घर में अंधेला है तो हमको परेशानी हटाने वाला कोई है नहीं, तो मोदी जी आपकी मेहरबानी हो तो बत्ती हमारी भेज दीजिएगा, बस आपका स्वीकार होगा। आगे आगे तुम चलते जाओ, पीछे पीछे हमको भी चलाते जाओ, इससे अच्छा यही रहेगा। ये हम बोलते हैं। ये बताइए दादा, जो जानवर घूम रहे हैं आवारा पशु, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में मोदी जी जाने, मान लो जैसे उसी हिसाब से कहना है, इनको जैसे छुड़वाया गया है उनको अपना अपना हिसाब किताब बना के चाहे उसको पलवाएं और या अपन कुछ उसका तो जुगाड़ बनाएं। ग्राम सभा में पशु जो गो आश्रय है केंद्र बने हुए वो नहीं बना क्या? हमारे हिसाब से हमको नहीं दिखाता है कहाँ केंद्र बढ़िया बनना चाहिए, बने तो हैं तार आर इधर लगे हैं, लेकिन वो भी तो जानवर है जैसे इंसान होता है, उसको भाई बंद कर दिया जाएगा कांटे में, वो तो बंद रहेंगे लेकिन उनके ऊपर ना छाया है ना उनके लिए कोई चारा है, तो ये भी देखना है। तो आप देख सकते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ग्रामीणों को है बिजली पानी, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे किसानों को है जो आवारा पशुओं को लेकर के सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। कैमरामैन सनी के साथ वीरेंद्र कुमार, प्राइम टीवी हरदोई। खबर मथुरा से है जहां पर विश्व प्रसिद्ध भागवताचार्य काशी नरेंद्र महाराज एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। युवती को नौकरी दिलवाने के बहाने शारीरिक शोषण किया गया है। शारीरिक संबंध की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने की धमकी दी गई। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है, इनके मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक जान पहचान है। वहीं काशी नागेंद्र के द्वारा पीड़ित युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वृंदावन कोतवाली में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। वो मेरा 2.5 साल से कंटिन्यूअस शोषण करते आ रहे हैं। मैं इसी के सिलसिले में एसपी साहब से मिलने के लिए आई थी और मैंने वृंदावन कोतवाली सीओ साहब से बहुत
पहले ही मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे यह कहकर धमका दिया था कि एसपी और सीओ तो हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए आते हैं और मेरे संबंध तो बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ के साथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो अक्सर मुझे फ़ोटो भेजते थे अपने, तो इसलिए मैं डरती और सहमती रही। जब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा, महाराज जी आप मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हो। भागवताचार्य काष्णे नागेंद्र महाराज, जो कि भाजपा के बहुत ही बड़े नेता बनते हैं और मुझे सत्ता का डर दिखाकर मेरा शोषण करते हैं। देवरिया में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर एक कार में कुल 30 पेटी देसी शराब बरामद किया गया है। अभियुक्त शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। एक संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी दिखाई दी, जिसको चेज करने पर वह ब्रेजा गाड़ी बिहार की तरफ भागने लगी। उसे दौड़ाकर उत्तर प्रदेश की सीमा में ही पकड़ लिया गया और जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें पाया गया कि 30 पेटी देशी शराब रखी हुई है और इस गाड़ी पर AS07N1878 ऐसा नंबर लिखा हुआ है। जब इसकी छानबीन की गई तो ये पता चला है कि ये गाड़ी चोरी की गाड़ी है, जिसके संबंध में थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत है। इस संबंध में गाजियाबाद के संबंधित थाने को सूचना कर दी गई है। जो अभियुक्त इस गाड़ी को लेकर बिहार की तरफ जा रहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती में प्राइम टीवी के संवाददाता ने राजेंद्र प्रसाद चौधरी से बात की और यह जानने का प्रयास किया कि लगातार दो बसपा की टिकट से रुधौली विधानसभा क्षेत्र से 2022 की विधानसभा चुनाव में सपा से उम्मीदवार के रूप में है। ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है। बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा है कि सरकार ने युवा, किसान और गरीब सबको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब सपा की सरकार बनेगी और वह शोषित वंचित के हित के लिए काम करेगी। चलिए आपको सुनाते हैं सपा उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने क्या कुछ कहा। हम इसे बात करेंगे और जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना जा रहे हैं, वोटरों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। तो विधायक, सबसे पहले बहुत बहुत आपका प्राइम टीवी का स्वागत है। धन्यवाद। आप किन किन मुद्दों को लेकर आपके आपकी बार जो है पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना जा रहे हैं, किस तरीके से वोटरों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा जनाक्रोश है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में किसानों के सपनों को कत्ल किया है, नौजवानों के सपनों को कत्ल किया है, गरीबों के सपनों को कत्ल किया है। हमारे किसान भाई पूरी तरीके से दुखी है और सर्व समाज ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। देखा जाता है सर, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं हमने इतना विकास कार्य किया, हमने इतनी योजनाएं चलाई, उसकी बदौलत हम पुनः सरकार अपनी बनाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, क्योंकि कोई विकास किया नहीं है, इसलिए विकास के नाम पर वोट मांगने की उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है। वो तो बांट करके गुमराह करके वोट मांग रहे हैं और लेकिन जनता समझदार है कि पहले भी वो गुमराह हो चुकी है, गुमराह नहीं होगी। जनता समझदार हो गई है, इस बार उसने मन बनाया है कि इनके जाल में नहीं फंसना है, समाजवादी पार्टी को वोट करना है, सम्मान के लिए, विकास के लिए, सर्व समाज की खुशहाली के लिए। देखा जाता है जिस तरीके से प्रथम चरण द्वितीय चरण का वोट हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश साइड में, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी मन से बोलते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के लोग उनका साफ हो गया। मैं कहना चाह रहा हूँ जिस तरीके से पश्चिम में चुनाव हुआ है, आपके टीवी चैनल के महत्वपूर्ण पत्रकार ने मुझको परसों टेलीफोन किया है, नंबर मुझे तो उनका मोबाइल में था नहीं, लेकिन धन्यवाद दिया है कि रुधौली भी जीत रही है, क्योंकि एक माहौल है पश्चिम में 58 सीटों में 42 सीटों पे गठबंधन भारी है, जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ होने की शुरुआत पश्चिम से हो गई है, उसकी हवा पूरब आ रही है।
नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो पेड चैनल के प्रमुख लोगों ने टेलीफोन से बताया है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, विकास रुधौली में शून्य है। जो सड़कें हैं, गड्ढा मुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। 5 साल लगातार सरकार में रहे, बता दें कुआनो नदी है, एक भी पुल कोई बनाने का काम किया हो, एक भी कोई बड़ा काम गिना सकते हो, बता दें कि हमने काम किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। यहाँ की जनता रुधौली विधानसभा क्षेत्र की जनता का आपको जीत दिलाती है, तो आप ऐसे कौन से काम तैयारी के तौर पे हैं, जैसे बेरोजगारी दूर हो, विकास कार्य अच्छे हों, उद्योग धंधे लगे, क्या करेंगे आप? यहाँ सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में पहली प्राथमिकता काम की जाए। उसके अलावा सर्व समाज के सम्मान में, जो आप जानते हैं कि रसोईया, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कोई ऐसा नहीं, एम्बुलेंस के ड्राइवर, सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि सरकार ने कोई महकमा नहीं छोड़ा जिसको दुखी ना किया हो। मैं अभी 3 दिन पहले एक कॉलेज पे गया था, कॉलेज बंद, रसोईया बहनें 3 वहाँ थी, मैंने हाल चाल के तौर पे पूछा क्या हालात हैं। उन्होंने कहा हालात क्या भैया है, यही खड़े हैं, स्कूल बंद है। हमने कितना मिलता है, उन लोगों ने कहा 1,500 रुपया मिलता है। हमने कहा मिल रहा है, कहा रोते हुए कि 3 महीना हो गया 1 रुपया भी नहीं मिला। अब 1,550 रुपया रोज पाने वाला वो बहन, आप बता दो 3 महीने से ना मिला हो, उसके घर की स्थिति कैसी हो सकती सरकार, है? सरकार तो उनके लिए कहीं ना कहीं 500 रुपया बांधे रुपये बढ़ाई है, साल में 2 साड़ी देने के लिए कही है, तो इससे क्या लगता है आपको? आप बता दो, साड़ी देने से काम चलेगा? पेट की भूख कैसे मिटेगी? परिवार है, ये परिवार, बच्चे हैं, उसकी अपनी खुशहाली, अपनी जिंदगी, अपना सपना है। कि सरकार ने सपनों को चकनाचूर किया, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप जानते हैं गोरखपुर में व्यापारी को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, किसानों निहत्ते किसानों में, आप जानते हैं गाड़ी रौद करके लखीमपुर में हत्या की गई है, वो भी कोई अहरा गहरा नहीं, मंत्री के परिवार के उनके बेटे ने किया। कहीं न कहीं हर मोर्चे पर ये सरकार ध्वस्त है, पस्त है, नाकाम है, असफल है। अब पूरे आशा भरी निगाहों से सर्व समाज माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है, खुशहाली की सोच उसके मन में है, तो अखिलेश का चेहरा देख रहा है। ये थे रुधौली विधानसभा क्षेत्र से जो सपा प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवारी के रूप में उतरे हैं, राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार, हम इससे अगर रुधौली विधानसभा की जनता हमको जीत दिलाती है तो साफ तौर पे इस पर हम अच्छे से काम करेंगे और निश्चित रुधौली विधानसभा की जनता को अवसर करेंगे। बस इससे सहयोगी अतुल के साथ रजनीश पांडे। हम मामला फतेहपुर से है, जहां हुसैनगंज के सरकारी अस्पताल CHC में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। आपको बता दें चोरों ने नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर लाखों के जेवर चुराए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।